अमेज़ॉन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यानी वर्षावन है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक बड़े भूभाग में फैला हुआ है। आपको बता दें, अमेज़ॉन जंगल हमारी पृथ्वी का लक्स यानी फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़ॉन जंगल से ही आता है। क्या आपको पता है कि अमेज़ॉन जंगल इतना बड़ा है कि पूरा भारत देश दो बार फिट हो सकता है, क्योंकि यह जंगल 55 लाख किलो वर्ग मीटर में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका से ब्राज़ील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है, अमेज़ॉन जंगल ना होकर कोई यह एक देश होता तो यह दुनिया का सबसे बड़ा नोवा देश होता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेज़ॉन का जंगल, यह जंगल 9 देशों में फैला हुआ है। इसमें से 60% हिस्सा ब्राज़ील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया का हिस्सा, इक्वाडोर और गुयाना, जोलोया, सुरीनम और फ्रेंच गुयान में फैला हुआ है। इससे पता चलता है कि यह जंगल कितना बड़ा और कितना विशाल है। जानकारी के लिए बता दें, पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उसके एक तिहाई को आप एक साथ अमेज़ॉन के जंगल में ही देख सकते हैं। अमेज़ॉन जंगल में 4 अरब से भी ज़्यादा पेड़ हैं, जिसमें से 17,000 पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती। क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में फैले जंगलों का 62% हिस्सा सिर्फ अकेले अमेज़ॉन जंगल का है, और अमेज़ॉन जंगल पूरे विश्व का कुल क्षेत्रफल का 4% हिस्सा है। अमेज़ॉन फॉरेस्ट के उत्तर में देने वाली नदी जंगल के बीच से होकर गुजरती है, इसे अमेज़ॉन का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। यह नदी कई सारी नदियों का नेटवर्क है। बता दें कि अमेज़ॉन नदी नील नदी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 6,400 किलोमीटर है। अमेज़ॉन नदी यानी अपतंत्र यानी पानी के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और यह नदियाँ वर्षा के दौरान भयानक रूप ले लेती हैं, और कहीं कहीं पे तो यह नदियाँ 190 किलोमीटर चौड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण इस नदी का एक छोर से दूसरा छोर भी नहीं दिखाई देता। बता दें कि दुनिया का 20% ताज़ा पानी सिर्फ अमेज़ॉन नदी में ही पाया जाता है। क्या आपको पता है कि अमेज़ॉन नदी में 11,000 से भी ज़्यादा सहायक नदियों का पानी आकर मिलता है, जिसमें से 17 नदियाँ 1,000 मील से भी ज़्यादा लंबी हैं। और आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि इतनी विशाल और भयानक है कि इस नदी के ऊपर एक भी ब्रिज या पुल नहीं है। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपको बता दें कि अमेज़ॉन जंगल एक बृहद इकोसिस्टम से यहाँ पे करीब 40,000 पौधों की प्रजातियाँ, 17,000 पेड़ों की प्रजातियाँ, 1,300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ और 430 स्तनधर जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अमेज़ॉन वर्षावन में पूरे विश्व भर की 10% जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 25 लाख कीड़े मकोड़ों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, 5,000 से भी ज़्यादा मछलियों की प्रजातियाँ और 3,000 से भी ज़्यादा स्पाइडर यानी मकड़ियाँ की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि अमेज़ॉन जंगल के अंदर एक्टो नामक एक शहर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी भी प्रकार की सड़क नहीं है, इसलिए इसे सीक्रेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह सिटी अमेज़ॉन वर्षावन के बीच काफ़ी दुर्गम स्थान पर बसी हुई है।
जिसकी आबादी लगभग 4 लाख से भी अधिक है। बताया जाता है कि अमेज़न जंगल की खोज आज से 11,200 ईयर्स पहले हुई थी। अमेज़न जंगल का अस्तित्व 5 करोड़ सालों से है। बता दें कि अमेज़न जंगल बाहरी दुनिया के लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक कबीले और आदिवासी जनजातियां इसी अमेज़न जंगलों में निवास करती है, जिन्हें यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके इलाके में आकर ताकझांक करे। बता दे कि बहुत से खोजकर्ता इन जंगलों में जाकर अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि अमेज़न जंगल में लगभग 400 से 500 आदिम जनजातियां पाई जाती हैं। माना जाता है इनमें से 5 ऐसी जनजातियां हैं कि बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। आपको बता दें कि अमेज़न जंगल का नाम स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांस ओलेने की देन है। अमेज़न शब्द ग्रोनिक कथाओं के जोन्स नाम से लिया गया है। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि 2007 में मार्टिन एक शख्स ने अमेज़न की नदी को तैर कर पार कर लिया था। अपनी इस जंगल की यात्रा को पूरा करने के लिए मार्टिन 66 दिन तक प्रतिदिन 10 घंटे तक पानी में तैरा करते थे। क्या आपको पता है कि अमेज़न पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों की मोटाई के कारण जंगल का अधिकांश भूभाग अंधेरे से ढका रहता है, और यह जंगल इतना घना है जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को जमीन तक नीचे पहुंचने तक लगभग 10 मिनट का समय लग जाता है। आपको बता दें कि अमेज़न जंगल में एक ऐसी नदी भी है जिसका पानी 110 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म है, और कभी कभी तो यह पानी उबलता हुआ भी दिखाई देता है। यदि गलती से कोई इंसान इस नदी में चला गया तो उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाएगी। इस नदी का नाम स्नेप तिम्पिक्सा है, जिसे वहाँ के लोग इस नदी की खोज आदर्श जूजो नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। इस नदी को देखकर उनके भी होश उड़ गए थे, क्योंकि आज तक इससे पहले गर्म नदी कहीं पर भी देखी नहीं गई थी। तो अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं अमेज़न जंगल के खतरनाक जानवरों के बारे में। अमेज़न जंगल आपको देखने में शांत और सुहाना लगता होगा, लेकिन आप यहाँ पर बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले मच्छर कीड़े और जहरीले होते हैं, जिसमें से नंबर एक पे है बुलेट आंट। दोस्तों यह चिड़िया देखने में तो बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इसके काटने के बाद असहनीय दर्द होता है। जब भी आप किसी इंसान को काटती है तो इसका दर्द किसी गोली की दर्द से कम नहीं होता, शायद इसलिए इसे बुलेट आंट कहा जाता है। कभी कभी तो इसके काटने से बुखार भी आ जाता है। यह चींटियां अमेज़न जंगल में बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती हैं।